तो हेलो दोस्तों, यह है हमारे पास वीवो का Y91 मॉडल और इसको आज हम लोग UMT टूल के माध्यम से अनलॉक करने वाले हैं क्योंकि ये बूट रोम में अनलॉक होता नहीं है। तो आज देखते हैं कि UMT के माध्यम से आप Y91, 95, 93 वीवो का MediaTek वाला जो भी CPU है, जैसे Y81, 81i, ये सब अनलॉक कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और देखते हैं आगे कि ये अनलॉक हो पाता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी वीवो Y81 का अनलॉक किया हूँ। तो उसी मेथड से हम वीवो Y91 को ट्राई करते हैं और उम्मीद है कि अनलॉक हो जाएगा। तो देखते हैं, इसके लिए दो सॉफ्टवेयर है, एक आप हमारा जो UMT का सेटअप है MediaTek वाला वो, और दूसरा है जो कि एंड्रॉयड यूटिलिटी के नाम से है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूज करने से पहले इसका वर्जन चेंज होता रहता है। अभी ये 104 चल रहा है, जो कि अगर 105 हो गया तो 104 वाला काम करता नहीं है, तो 105 लोड करना पड़ेगा। और ये सब प्रोसेस करने से पहले आपके पीसी या लैपटॉप में मेटा मोड का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप कर ले, नहीं काम नहीं करेगा। तो इस मेन सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद और टॉप में ही दूसरे नंबर पे लिखा है मेटा, और मेटा में जाने के बाद सबसे फर्स्ट में रिबूट टू मेटा करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है रन करने लगेगा और फिर हमें MediaTek के सेटअप में आ जाना है और यहाँ पे मेटा मोड में फैक्ट्री टू रिसेट कर देना है। तो जैसे फैक्ट्री टू रिसेट होगा तो मैं आपको दोनों बारी बारी दिखा दे रहा हूँ। आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों प्रेस करके और लगा देना है। तो लगाएंगे तो जो हमारा एंड्रॉयड यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर है, ये हमारे जो क्वेलकॉम वी कॉम का जो पोर्ट बनाया है, इसको मेटा मोड में ले जाएगा फ़ोन को। और मेटा मोड में जाते ही जो हमारा एंड्रॉयड UMT वाला सेटअप है वो हमारे फ़ोन को अनलॉक कर देगा। तो चलिए देखते हैं, रन कर रहा है अभी, तो रिबूट टू मेटा कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लेटेस्ट अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि और को भी पता चले। तो देखिए, यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट कर रहा है मेटा मोड में, और देखिए यहाँ पे हो गया फेल, फैक्ट्री रिसेट साफ साफ लिखा है, फैक्ट्री रिसेट MTK जेनरिक फेल। दोस्तों, इसमें हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है और भला ही फेल लिखा है, लेकिन हमारा फ़ोन प्रॉपर अनलॉक हो चुका है। और इसे हम स्विच ऑन करेंगे और फिर देखते हैं। तो ये खुल रहा है, हाँ। तो ये देखिए, अभी हमारा फ़ोन पूरा तरीके से खुल गया है और देखते हैं कि ये पूरा खुलता है। और ये FRP मांगता है, अगर दोस्तों इसका आप FRP देखिए, सेम वही फ़ोन है और फेल लिखने के बाद भी मेटा मोड में अनलॉक हो गया। तो FRP मांगता है, अगर आप FRP इसका बाईपास करने नहीं जानते हैं तो 1 मिनट से भी कम लगेगा। हमारे इसी चैनल के शॉर्ट वाले वीडियो में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप FRP रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।